हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की जो वीडियो है एक पर्टिकुलर केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है तो देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बड़े लोगों को पता होते हैं और हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में ही जो स्टॉक बताते हैं उसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं बट हमें अलग से एफर्ट डालने पड़ते हैं और सीखना पड़ता है डेली जो रिजल्ट आते हैं उसे देखना पर, देखना चाहिए उससे क्या होता है ऐसी ऐसी कंपनीज आपको मिल जाती है कि आप अच्छी अच्छी कंपनी पे रिसर्च कर सकते हैं तो ऐसी ही कंपनी कल एक कंपनी के रिजल्ट आए थे केमिकल सेक्टर की छोटी सी माइक्रो कैप कैप उसका है जो मतलब एक हजार करोड़ से भी कम की कंपनी है ऐसी एक कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे और मुझे लगता है कि यहां इस प्राइस पे वो चल रहा है ना उससे भी अभी डबल होने के चांसेस है अभी रिसेंटली वो लिस्ट हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग बी पे ही लिस्ट है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उस कंपनी से रिलेटेड पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें एज वेल एज लाइक करने से एक हमारी हेल्प हो जाती है बाकी यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे आज के में दो आई इन दोनों वीडियो को देख लीजिए बेहतरीन आशंका, है, आशंका है, मिलेंगे, जाके यहां पर इनके है तो आप यहाँ पर खुद सीखिए सीख पोजिशन लीजिए न्यू -न्यू और अच्छे खासे गेन आपको फ्यूचर में मिलते हुए दिखाई देंगे तो जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं आज के दिन लगभग तेरह परसेंट भक्ता हुआ दिखाई दिया है अच्छी खासी जंप है फाइव डेज का चार्ट पैटर्न देखे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन फेज उसके बाद एक अच्छी खासी जंप फिर इसके बाद वन मंथ का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं पॉजिटिव सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए वो पॉजिटिव टिल डेट देख लीजिए वो पॉजिटिव वन ईयर का चार्ट पैटर्न देख लीजिए ये भी पॉजिटिव मतलब एक सौ तीस रुपए का शेयर चल रहा था छह सौ प्लस है आज की डेट में यहाँ पर अगर देखे तो देखिए सौ रुपए पे दो हजार में आपके पैसे को छह गुना कर दिया है तो ये सारी चीजें मायने रखती है फिफ्टी टू वी खाई की बात करें आज के दिन ही फिफ्टी टू वी खाई लगाया लो वन ट्वेंटी वन रुपीज का था और कंपनी के बारे में बताऊं कि कंपनी का नाम क्या था कंपनी का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं कितने फाइव नाइन्टी थ्री पे ये शेयर चल रहा है आज तक सौ सत्तासी परसेंट की रिटर्न दे दिया कंपनी का नाम है याशो इंडस्ट्री नाम देख के बिल्कुल मत जाइए इसके पीछे का फंडामेंटल देखिए पीछे की बातें सीखने की कोशिश करें नाम देखने से कुछ नहीं होता नाम देख नाम तो कोई भी बता देगा बात करें यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड आज तक ना तो इसने डिविडेंड सॉरी ना तो आज तक इसने आ, को, कोई भी कॉपरेट एक्शन किया है लाइक ना बोनस दिया है ना स्प्लिट दिया है कंपनी से रिलेटेड बात करें तो देखिए कंपनी यहाँ पर केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और टू फैक्ट्रीज है इनकी एक तो यहाँ पर जी वापी और यहाँ पर गुजरात में यहाँ पर इन दो जगह पर ये लगती हुई दिखाई देती है एज वेल एज कंपनी से रिलेटेड अगर बात करें तो देखिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स केमिकल पर ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है इनके बारे में यहां दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस केमिकल ऑफ ऑफ इंडस्ट्री एज एज डाइवर्स रबर एंड लेटेक्स फूड एंड फ्लेवर परफ्यूमरी लुब्रिकेंट्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो समझ रहे हैं यहाँ पर रबर लेटेक्स जो बनाया जाता है फूड एंड फ्लेवर यहाँ पर

यहाँ पर इसके कितने शेयर किस टाइम थे तो एक बार हमें आइडिया लग जाएगा तो यहाँ पर कॉपरेट एक्शन जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको पर प्लेजिंग पता चल जाएगी तो प्लेजिंग यहाँ पर देखिए ना के बराबर ही प्लेजिंग है मार्च 2020 में कुछ नहीं थी बट अब अगर अभी बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्लेजिंग होती हुई नजर आ रही है पॉइंट की यहाँ पर प्लेजिंग नजर आ रही है और यहाँ पर कितना दे रखा है यहाँ पर दे रखा है हाँ इतने ही दे रखा पॉइंट थ्री परसेंट की तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स तो यहाँ पर देख सकते हैं वन uh, जीरो करोड़ रुपीज के सेल्स थी सेप्टेबर दो में और अभी की बात करें वन थर्टी टू यहां पर सेल्स कंपनी ने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और दो टाइम से तो यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाइएस्ट एवर और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी दो करोड़ की प्रॉफिट यहाँ पर छह करोड़ नौ करोड़ ग्यारह करोड़ मतलब कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर देखिए एक सौ पिचानवे करोड़ यहाँ पर सेल्स थी फिर ढाई सौ हुई फिर तीन सौ चालीस फिर टू नाइन सेवन फिर थ्री फिफ्टी नाइन और अभी की बात करें फोर वन नाइन तो यहाँ पर हाईएस्ट टाइपर सेल्स नहीं शुरू हो गई है इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर आना शुरू हो गया कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है रिजर्व्स अच्छे खासे हैं बोरेंग की बात करें यहाँ पर बोरेंग है कंपनी का 162 करोड़ रुपीस की जो हम ऊपर देख चुके हैं वर्किंग uh, प्रोग्रेस में कोई पैसा नहीं है बट अगर बात करें फिक्स एक 120 करोड़ रुपए की छोटी समझ सकते इस को, और करोड़ कैश भी है और ट्रेड अच्छा आ, आ रहा है पिछले तीन साल से जो की अच्छी बात है आर उसी की बात करें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेवेंटी की है जो कि उन्होंने जून दो के बाद सेप्टेबर में बढ़ाई थी ओके और अगर हम बात करें यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग पब्लिक की होल्डिंग देख लीजिए पच्चीस बट पचीस परसेंट में भी अगर बात करें यहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोगों ने अगर बात करें उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है फोर परसेंट थ्री परसेंट सेवन परसेंट एट परसेंट एट और इलेवन मतलब इलेवन परसेंट के आसपास यहाँ पर घटा दीजिए ओके अः इलेवन परसेंट भी घटा देते हैं तो लगभग लगभग फोर्टीन परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पब्लिक की नजर आती है इसमें आपको फिर अः uh, सारे के सारे कुछ बड़े बड़े ऑपरेटर uh, भी आपको दिखाई देंगे जो कि शेयर को भगा भी सकते हैं तो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान दीजिए अब बात करते हैं टेक्निकल्स की तो टेक्निकल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी देखिए यहाँ पर ज्यादा तो चार्ट पैटर्न है नहीं बट जो भी चार्ट पैटर्न है ओके यहाँ पर सबसे पहले अभी खरीदने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा ओके okay, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टॉप पर यहाँ पर शेयर बैठा हुआ है इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया 21 जून से मतलब एक दो महीने की इसने कंसोलिडेशन किया और डेढ़ महीने और फिर उसके बाद शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर इसने प्रीवियस हाई को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया था तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए और एक चीज यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी फिफ्टी डीएमए के आसपास ये शेयर आता है ये शेयर ऊपर की तरफ भागे जाता है और जब इसने अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर दिए कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर भागे जा रहा है तो देखिए अगली बार के भी रिजल्ट केमिकल कंपनी सारी अच्छे पेश कर ही रही है तो अगली बार के भी रिजल्ट अच्छे खासे आने की उम्मीद है तो देखिए थोड़ा सा करेक्ट होगा इन बिटवीन आपको एक चांस मिलेगा ओके और जब चांस मिलेगा तो यहाँ पर पाँच के आसपास या पाँच के आसपास जब ये शेयर आए तो उसे लेना बोल लिए मत और टबाईन डिप्स कर सकते हैं बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है चार्ट पैटर्न अच्छा है ऊपर की तरफ जाया जा रहा है